मैंने नई जगह ढूंढकर निकाली, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2 kg के आसपास का फिश है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन हुक हुआ है। इसने फ्रॉक को ऑलमोस्ट स्वेल कर लिया है। पहले से मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या साइज का पकड़ा है। माशाल्लाह, काफी खूबसूरत, काफी बड़ा। मतलब यहाँ फिशेस है, ये मैंने बिल्कुल नई जगह ढूंढी है दोस्तों। हाँ, मैं आपको मेरा बैग रखकर, उसके ऊपर कैमरा रखकर फिर बताता हूँ कि मैंने कितना बड़ा फिश पकड़ा है अभी। अल्लाहु अकबर, देखिए दोस्तों ये साइज है इसका। माशाल्लाह, इस साइज का कैप्चर किया है इसे। काफी खूबसूरत, बहुत ताकत है इसमें, बहुत जबरदस्त कैच है, देख सकते हो आप। और ये स्कम फ्रॉग से कैच किया है लॉन्च सीरीज का। यहाँ और भी होंगे दोस्तों, चलिए हम लोग चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से इस्तकबाल है मेरे चैनल मीर फिशिंग मास्टर में। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। इत्तफाक ही हुआ कि आज हम लोग फिशिंग के लिए आए हुए हैं, और मैंने जिनसे सबसे पहले फिश पकड़ना सीखी है, ये हमारे दोस्त, मेरे उस्ताद सद्दाम भाई और बबलू भाई, आपका नाम बबलू, मुदस्सिर भाई। मुदस्सिर भाई ने मुझे सबसे पहले फ़िशिंग कैसे करना है ये बताया। ये दोनों ही मेरे उस्ताद है, और फिर हम्मो, ये हमेशा मेरे साथ रहते। ये बात और है कि अपना अब्दुल हमीद अपना नाम नहीं बोल सकते खुद, ये बोल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाते मतलब। मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ आज का टॉपिक और सारी चीज़ें। जज़ाकअल्लाह आप लोग, अल्लाह का एहसान है, ये लोगों ने मुझे फ़िशिंग करना सिखाया है। मेरी बुनियादी ट्रेनिंग इनसे हुई है, और बाद में आगे चलकर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हो कि क्या हुआ है। तो चलिए मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइट कास्टिंग वर्सेस स्पिनिंग। जैसा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स आ रहे थे, मुझे कमेंट्स आ रहे थे, और सभी लोग ये पूछ रहे थे कि हम बिगिनर हैं तो क्या करें, हमने काफ़ी टाइम से शुरू किया है, कैसे रॉड रील यूज़ करें, कैसे सेटअप्स यूज़ करें। तो आज हम बात करेंगे स्पिनिंग वर्सेस बाइट कास्टिंग रील एंड रॉड की। पहले हम इस ताल्लुक से समझ लें कि स्पिनिंग सेटअप, तो हम सबसे पहले देखते हैं स्पिनिंग सेटअप के बारे में कि एक्चुअल में स्पिनिंग सेटअप के साथ हमें करना क्या है और कैसा इसे यूज़ करना है। तो पहले देखते हैं कि अगर आप बिगिनर हो, तो बिगिनर होने के नाते आपको स्पिनिंग सेट यूज़ करने की सलाह दूंगा मैं। इसकी कुछ वजह है, स्पिनिंग सेट यूज़ करने की वजह ये है कि सबसे बुनियादी वजह क्या, जब आप बाइट कास्टिंग यूज़ करो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें, जिसे मैं कहूँगा कि जो यूज़ करने में आसान होती है लेकिन हमें मुश्किल लगने लगती है, वो होती है उसके मैक्सिमम ऑपरेट करने वाली चीज़ें, जो वो हमें मैक्सिमम चीज़ें ऑपरेट करने के लिए देती है। लेकिन अगर हम देखें बाइट कास्टिंग की जगह पर स्पिनर को, स्पिनिंग रील और रॉड को, तो ये काफ़ी आसान होती है, बहुत ज़्यादा आसान होती है यूज़ करने में भी और समझने में भी। तो पहले हम इससे शुरुआत करते हैं कि इसमें कोई बैकलैश नहीं होता, ये काफ़ी सिंपल सेटअप है अगर बिगिनर के हिसाब से देखें तो। इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है बुनियादी, कि ये जो लाइन है तो ये इसको
गुच्छा करने का प्रॉब्लम करता है अगर आप मोनोफिलामेंट वगैरह यूज़ करो तो। तो अगर वो नहीं यूज़ कर रहे हो तो कोई दूसरी परेशानी नहीं होंगी आपको। सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं स्पिनिंग के बारे में कहता हूँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो है इसका ड्रैग, और जो बाइट कास्टिंग में नहीं होता है। बाइट कास्टिंग साइलेंस होती है, अगर आप इसका ड्रैग देखो ये काफ़ी अच्छा आवाज़ करता है। ये आवाज़ आपको बाइट कास्टिंग में नहीं सुनाई देंगी, वो साइलेंस होता है। ये ड्रैग सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद में इसे थ्रो जब हम करते हैं स्पिनिंग में, आपको दोनों थ्रो करने में काफ़ी आसानी होती है। स्पिनिंग का एक सबसे अच्छा एडवांटेज कि बाइट कास्टिंग में या तो आप लेफ्ट हैंडेड होंगे या तो आप राइट हैंडेड होंगे, लेकिन अगर आप स्पिनिंग देखो तो आप इसका हैंडल खोल कर दोनों साइड से यूज़ कर सकते हो। जैसा मैं अभी लेफ्ट हैंड से हैंडल यूज़ करता हूँ तो मैंने लेफ्ट साइड में लगाया है। अगर आप इसे निकाल लो, आप यहाँ से डाल दो, तो हैंडल ये साइड से यूज़ होगा, राइट साइड से। मैं लेफ़्ट साइड से यूज़ करता हूँ तो मैं हमेशा लेफ़्ट साइड ही प्रीफर करता हूँ। इसे डाला और ये इजीली सेट हो गया। सो सिंपल, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, कुछ नहीं, एकदम आसानी से आपका स्पिनिंग का सेटअप हो गया। ये दोनों साइड से ऑपरेट हो जाती है आपकी, प्लस इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों चीज़ें आ जाती है, तो ये आपको और बेहतर तरीके से मर्च करती है। अब बात करते हैं स्पिनिंग को थ्रो करने की, तो चलिए हम इसे थोड़ा थ्रो कर कर बताता हूँ आपको। ये स्पिनिंग रॉड रील, ये अबू गार्सी, ये सॉरी शेक्सपियर की अगली स्टिक GX2 है, मेरी फेवरेट रॉड, और ये उकमा की इलारिस है 40 नंबर वाली। अब देखिए इसमें क्या होता है, बाइट कास्टिंग में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मैं उस टाइम में बताऊँगा, लेकिन इसमें जो आपको पकड़ना होता है पोजिशनिंग, वो होती है ये लाइन को फिंगर से यहाँ पर होल्ड करना, उसके बाद में बाइल ओपन करना। बाइल ओपन करने के बाद में आपको जस्ट करना क्या है, इसे थ्रो करना है और ये आपको इसे लॉक करना है। जैसे ही लूर ग्राउंड पे टच होता है, और फिर इसे खींचना है जब तक के फिश अटैक ना करे। ये इसके तरीका है। ये आपको स्पिनिंग का एडवांटेज मिल जाता है दोस्तों। ये हो गई पूरी नॉलेज स्पिनिंग के ताल्लुक से। अब हम लोग बात करेंगे बाइट कास्टिंग रील की। तो एक मिनट में ये साइड आ जाता हूँ, रोक ली। अब वो भी तुम्हारे साथ ही। स्पिनिंग में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप इससे मल्टीपल फिशिंग कर सकते हो। मेरे तरफ लो उसको, आप इससे मल्टीपल फिशिंग कर सकते हो। जितनी टाइप की फिश है आप इससे सभी पकड़ सकते हो। ये शेक्सपियर है, जो मुझे दूसरा सेटअप, मेरी रॉड जो पसंद है मुझे वो है डाइवा की D-Wave। ये सद्दाम भाई की है, मेरी रील दूसरी यूज़ करता हूँ इसके ऊपर में। मैं रपाला की S-Type यूज़ करता हूँ इसके ऊपर। ये रॉड भी काफ़ी बेस्ट है। स्पिनिंग में आपको सब टाइप की फिशिंग्स मिल जाती है। अब चलिए हम लोग आते हैं बाइट कास्टिंग के ऊपर। तो इसके ताल्लुक से कुछ चीज़ें समझ लीजिए, ये बहुत कंट्रोल समय देती है। अब इसको थोड़ा नज़दीक से ले आइए, इसे कुछ चीज़ें समझ लीजिए। ये है लॉकर, इसे ओपन करने के बाद में ये आपका स्पूल है, ये स्पूल को टेंशन देता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें ड्रैग बिल्कुल साइलेंस होता है, आवाज़ ही नहीं होती ड्रैग की। बस ये एक चीज़ है ड्रैग और इसके ताल्लुक से। अभी इसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। ये है ड्रैग एडजस्टमेंट, जिससे ड्रैग एडजस्ट हो जाता है। ये स्पूल टेंशनर है, जिससे स्पूल का टेंशन कंट्रोल होता है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको कंट्रोल करने के कई ज़्यादा अलग अलग तरीके हैं। इसमें मैग्नेटिक सिस्टम होता है, मेरे इसमें SVS ब्रेक सिस्टम है, जो मैंने आपको पीछे भी अपने वीडियोस में बताया हूँ कि इसे कैसा यूज़ करते हैं और SVS ब्रेक सिस्टम काम कैसा करता है। ये मैं सारी डिटेल आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ कि इससे कैसा काम लिया जाता है। ये ब्रेक सिस्टम है, SVS ब्रेक सिस्टम। ये ओपन नहीं हो रहा है अभी, खैर बहरहाल छोड़िए, इसको ऑयलिंग करनी होगी। ये स्पूल टेंशन है, इसके ताल्लुक से कुछ चीज़ें समझिए दोस्तों। अभी ये मैंने इसे फ्रॉग लगाया है, चलिए इसे भी उसी तरह टेस्ट करते हैं
अब इसमें एडजस्टमेंट क्या होती है, आपको इसको मल्टीपल टाइप से ये आपको एडवांटेज देता है कि आप इसे यूज करें। सबसे पहले तो स्पूल टेंशन एडजस्ट करें इसका, कि ये बैकलैश ना दे। बैकलैश से बचने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसा करना है। बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसकी रॉड स्पिनिंग जितनी मजबूत नहीं होती, चाहे आप कितनी भी हाई क्वालिटी पर जाओ, कॉस्टली बहुत होती है। रील को एडजस्टमेंट, आपका जो सबसे अच्छा ब्रेक सिस्टम है रील पर वो है आपका थंब यहाँ होना चाहिए इसके ऊपर, जो इसको ब्रेक लगाता है। अब मैं आपको वापस बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये मैंने ब्रेक लगाया मेरे थंब से, क्योंकि मैंने स्पूल टेंशन काफ़ी हल्का कर रखा था। और ये स्नेक हेड, बास फिश, ऐसी मछलियों के लिए काफ़ी बेस्ट रॉड है। इसमें हवा का साइड एक बार फिर से मैं आपको कास्ट करके बताता हूँ। इसमें काफ़ी लंबा कास्ट होगा आपका। जो सबसे अच्छी बात मुझे बाइट कास्टिंग की लगती है वो है इसका वेट, इसकी कॉम्पैक्ट साइज। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में होती है, काफ़ी आसानी से हाथ में ग्रिप में आ जाती है। इसमें जो लाइन एडजस्ट होती है, इसमें लाइन ट्विस्ट नहीं होती जैसे कि स्पिनिंग में होती है। स्पिनिंग बल्की हो जाती है, आप जितनी हैवी रील और लाइन पर जाओगे वो सेटअप उतना बल्की होता जाएगा। तो ये दो चीज़ों का फ़र्क इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सी बेस्ट है, तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट कौन सी है। तो हम बात कर रहे हैं ये यूज़ करने में ईजी होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इसके ताल्लुक से, कि अगर आप बाइट कास्टिंग यूज़ कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। अगर आप ये परचेस कर रहे हो, बिगिनर हो तो मैं स्पिनिंग आपको प्रीफर करूँगा। अगर आप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो तो मैं बाइट कास्टिंग आपको प्रीफर करूँगा कि आप बाइट कास्टिंग यूज़ करें। दोनों में एक चीज़ समझिए, वो मल्टीपल को अलाउ करती है ये कुछ स्पेसिफिक के लिए, लेकिन इसकी एक्यूरेसी, इसका जो मल्टीपल सिस्टम है जो आपको अलग अलग तरीके से अलाउ करने के लिए ये करता है, वो काफ़ी बेस्ट होता है। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछो कि अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आप ये यूज़ करो। हाँ, बात जब मैं पहले कह रहा था कि कौन सी बेस्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कौन सी बेस्ट है, हर किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। आप वक्त के साथ दोनों ही चीज़ें सीखिए, दोनों ही नए ज़माने की चीज़ें हैं। इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, थकान कम होती है क्योंकि वेट कम होता है, और इसका कंट्रोल सबसे बेस्ट है। अब स्पिनिंग और इसके बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो मामूली से फ़र्कों की वजह से हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। स्पिनिंग हैंडल करने में बहुत आसान होती है, वहीं बाइट कास्टिंग का बैकलैश का प्रॉब्लम होता है। बैकलैश भी मैं आपको समझाता चलूँ। जैसा मैंने ये थ्रो किया और ये लाइन पे कंट्रोल नहीं है, ये लूर गिरा, ये हल्का सा बैकलैश हुआ है यहाँ पर। लेकिन मैं इससे भी आसान तरीके से आपको और बैकलैश समझा सकता हूँ। ये तो मैंने लूर काफ़ी दूर फेंक दिया और उसके बाद में बैकलैश बताया हूँ, लेकिन मैं आपको लूर को नज़दीक रखते हुए भी बैकलैश बता सकता हूँ। देखिए, इसकी पूरी एडजस्टमेंट होती है स्पूल टेंशन पे। अब वहाँ लूर है, ये सिर्फ मैंने लॉक को अनलॉक किया, ये नीचे गया और ये बैकलैश, ये अभी भी काफ़ी आसान हुआ है, नहीं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट बैकलैश होते हैं। मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा दोस्तों आपको, कि बैकलैश से कैसे निपटा जाए। पर मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर किया है कि बैकलैश इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ कि इसमें आप हैवी लाइन यूज़ कर सकते हो। आप बाइट कास्टिंग स्पिनिंग में अगर हैवी लाइन यूज़ करते हो तो कास्ट नज़दीक हो जाएगा। बाइट कास्टिंग का रिट्रीव, जो इसका मुझे पसंद है, वो काफ़ी फास्ट है कंपेयर टू स्पिनिंग। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था, सेटअप चॉइस करने के ताल्लुक से। जो मुझसे पूछ रहे थे कैसा लेना है, क्या लेना है, ये आपकी मर्ज़ी पर है। रॉड और रील के ताल्लुक से अगर आपको पूछना है, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। मैंने ऐसे तो मेरा नंबर सभी वीडियोस में दे रखा है, अगर किसी को और मदद चाहिए तो मुझसे बात कर सकता है। अब लाइन रिट्रीव जो मैंने बताया आपको कि लाइन रिट्रीव कैसा होता है, क्या होता है, तो वो इसमें हैवी लाइन आप यूज़ कर सकते हो। अब लास्ट में स्पिनिंग और दोनों के ताल्लुक से सिर्फ एक ही चीज़ बताऊँगा। हर किसी में कोई ना कोई अच्छी बात है दोस्तों, हमें अच्छी चीज़ खुद निकालनी है। मुझे जो चीज़ अच्छे से हैंडल हो जाती है वो मेरी हो गई। ये इनकी कुछ मालूमात थी जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे थे दोस्तों के,
और जब आप रील चॉइस करने जाते हो सदम वो रील ले लो बाइट का इसका स्पिनिंग का सेटअप मेरा, तो आप जब चॉइस करने के लिए जाते हो तो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं बस उसी लिए ये वीडियो बनाई है कि लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि अगर बाइट कास्टिंग या स्पिनिंग, तो देखिए दोस्तों मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताया। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी आपको कुछ जानना है तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो ये चीज़ समझने के लिए, लेकिन जो बुनियादी प्रॉब्लम्स इनकी है, जो बुनियादी अच्छाइयाँ इनमें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर और आपको लगता है कि इसके ताल्लुक से मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो। मैं ज़्यादातर दिन के वक्त बिज़ी होता हूँ दोस्तों, बुरा मत मानिए, मैं काम पर होता हूँ, मेरी भी मसरूफियात है। शाम के वक्त मैं फ्री होता हूँ, 9 बजे से लेकर 10-10:30 बजे तक आप मुझसे बात कर सकते हो। रात में मैं फ्री होता हूँ और आपको पूरा टाइम दे सकता हूँ। कौन सा रॉड रील सिलेक्ट करना है इसमें भी आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने इस वीडियो में कुछ फिशेस पकड़ी है, कुछ अजीब चीज़ें देखी है लास्ट टाइम में, जो लास्ट संडे में डाल नहीं पाया था, और अगर आज कुछ लगता है तो ये सब आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरी ये नॉलेज आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और आप इसी तरह दुआओं से नवाजिए दोस्तों, मेरे लगभग 1500 सब्सक्रिप्शन पूरे हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी देर की मेहनत के बाद काफ़ी खूबसूरत मछली, बेहतरीन कलर, लेट्स गो, इसे निकालते हैं। काफ़ी अंदर तक स्वेल किया है इसने अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। हमें ऑलमोस्ट यहाँ पर दोपहर से आए हुए हैं, अब शाम हो रही है, इसने पूरा ही इस फ्रॉक को स्वेल कर लिया है। देखिए आप, हमने यहाँ काफ़ी लूर्स ट्राई किए बट फाइनली जो मेरा फेवरेट है इसका फ्रॉक, ये उस पर रिजल्ट्स लग गए। ये मेरा स्कम फ्रॉक लॉन्च सीरीज का बेस्ट रिजल्ट्स, काफ़ी खूबसूरत अटैक किया इसके ऊपर। और ये रही हमारी आज की पहली फिश, ऑलमोस्ट 1 kg, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल।